इधर देख क्या हुआ, इधर देखो फ्रेंड्स, इसका वीडियो अच्छे से नहीं बन पा रहा है इसीलिए। इधर देखो छुटकी, कैमरा चालू है, इधर देख, देखना इधर, बोलो क्या हुआ छुटकी, बोल छुटकी। हाँ सच में कैमरा चालू है, फ्रेंड्स थोड़ा मेरी छुटकी का तबीयत ठीक नहीं है, जिसकी वजह से ये वीडियो शूट अच्छे से नहीं कर पा रही है, इसीलिए अपसेट है अभी। इधर देखो ये बारिश आ रहा है, भींग रही हूँ बारिश में, तो फिर से तबीयत खराब होगा। इधर आ बोलो, बोल छुटकी। फ्रेंड्स देखिए ये तैयार होकर आई थी और इसका तबीयत ख़राब है, पर शूट नहीं कर पाई अच्छे से क्योंकि एनर्जी काम नहीं कर रहा था, मतलब बार बार थक जा रही थी, और जिसकी वजह से ये उदास है कि हम अच्छे से वीडियो शूट नहीं कर पाए। तो प्लीज़ आप लोग सपोर्ट कीजिए मेरी छुटकी को, ताकि ये आगे बढ़ सके और अपने सपने को पूरा कर सके। बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क करती है फ्रेंड्स, आप लोग देख सकते हैं बारिश आया हुआ है, अभी बारिश आ भी रहा है, फिर भी आई थी तैयार होकर सुबह सुबह, अभी सुबह का 6:30 बज रहा है, मतलब 6 बजे की आई है, 6 बजे के पहले की ही आई है, लेकिन वीडियो अच्छे से शूट नहीं हो पाया क्योंकि इसका तबीयत ख़राब है और बारिश भी आ रहा था, जिसकी वजह से इसको भींगना नहीं था क्योंकि इसका तबीयत और ज़्यादा ख़राब हो जाता। तो देखिए आप लोग ही उदास है, कुछ बोल नहीं रही है चुटकी, बोल चुटकी, कैसे गुंडा की तरह मूर्ति की तरह ऐसे बैठी खड़ी है छुटकी, बोल ना। फ्रेंड्स ये देखिए ये रोने लगी, क्या हुआ, नहीं बना तो शाम को बना लेना छुटकी, फ्रेंड्स देखिए बारिश आ रहा है अभी, फिर भी यह हट नहीं रही है, भींग रही है और भींग भींग के रो रही है, पता नहीं रो रही है या बारिश का पानी है छुटकी। इधर देख, इधर देखो क्यों रो रही हो, शाम को बना लेना, इधर आ छुटकी, इधर आ, बोल कुछ, शाम को बोलना, बना लेना शाम को, बोलो बोलो कुछ, बोल छुटकी, छुटकी शाम को बना लेना, बाप रे। फ्रेंड्स ये आंसू देखिए किससे पूछ रही है, वो जो फूल जैसा है दुपट्टे में का, ताकि इसका मेकअप ना खराब हो जाए। कहाँ जा रही हो,
बारिश आ रहा अभी देखो कितना ज्यादा। पहली बार कुछ बोल नहीं रही है। बोलना छुटके, शाम को शूट कर लेना। हस्ती हस्ती बहुत ही प्यारी लग रही है चुटकी, कितना क्यूट लग रही हो तुम। ये ब्लू और पिंक कलर का तुम पे तो बहुत ही अच्छा लग रहा है सच में। और ये डबल चुटी, वाह। नीचे कौन सा मिठाई है चुटकी, कौन सा मिठाई है नीचे? था गई हो तो कौन सा मिठाई लेकर आई हो? घटा बेल से थावे गई थी तो सब कुछ सब में था, और ये पूछ रही है कि सब छोड़ा सा ना, पहले ही बताओ सन कि घटा मिठाई कहाँ मिलेगा। जो कि वो मंदिर के पास ही सब बेच रहा था सब, तो खरीद के लाइए ढेर सारा घटा मिठाई खरीद के लाइए। क्योंकि वो मिलता नहीं है यहाँ पर क्या छुटकी? प्लीज प्लीज सपोर्ट कीजिए आप लोग, ताकि मेरी छुटकी आगे बढ़ सके और अपने सपने को पूरा कर सके और अच्छे अच्छे वीडियोज बना सके ना छुटकी। फ्रेंड्स, इसका स्वास्थ्य आजकल ठीक नहीं रह रहा है क्योंकि इसका तबीयत बार बार खराब हो जा रहा है मौसम के चलते, तो प्लीज़ आप लोग सपोर्ट कीजिए, जिसके वजह से ये रिहर्सल भी अच्छे से नहीं कर पा रही है और थक जा रही है। मतलब रील्स बना रही है डेढ़ डेढ़ मिनट का तो थक जा रही है, क्योंकि इसका पेट भी दर्द करने लग जा रहा है, क्योंकि खाना भी उतना अच्छे से नहीं खा पा रही है क्योंकि इसका तबीयत खराब रह रहा है इसी वजह से। तो प्लीज़ आप लोग फिर भी सपोर्ट कीजिए ताकि ये जल्दी से ठीक हो जाए। आप लोग प्रे कीजिए कि ये जल्दी से ठीक हो जाए और अच्छे से रील्स बनाए और यूट्यूब भी बनाए। तो प्लीज़ आप लोग सपोर्ट कीजिए मेरी छुटकी को। कैसे हार थक के बैठ मतलब खड़ी है, उस समय से रो रही थी तो मैंने ब्लॉग बनाना स्टार्ट कर दिया। कि शायद इससे चुप हो जाए क्योंकि बहुत ज़्यादा अपसेट थी और ना हमसे बात कर रही थी, आप लोग से भी ये बात नहीं कर रही थी, फ्रेंड्स से कुछ नहीं बोल रही थी, बहुत देर तक कुछ नहीं बोला, लेकिन अभी बोल रही है। प्लीज कमेंट में बताना कि आप लोग कैसे हो और क्या हो रहा है, और सपोर्ट कीजिए, अपना ढेर सारा प्यार दीजिए। और मतलब अभी मुझे ब्लॉग वीडियो बनाने का मन नहीं कर रहा है तो अचानक से बस दीदी बना रही हैं, और बारिश भी आ रहा है बहुत, मतलब मेहनत से मैं रेडी हुई थी लेकिन बना वीडियो पर उतना अच्छा नहीं बना जैसा मैंने सोचा था। मतलब कुछ ना कुछ छूट रहा है और नीचे ज़मीन भी भीगा हुआ था, उस समय जब मैं शूट कर रही थी तब बारिश नहीं आ रहा था, अभी बारिश आ रहा है तो बस जो ये छत है वो भीगा हुआ था तो पैर स्लिप कर रहा था, और ये जो सॉन्ग था उस पर इधर उधर जाना पड़ रहा था तो मुश्किल था कर रहा, और थोड़ी सी मेरी एनर्जी भी काम नहीं कर रही है, मतलब खाना पीना सही से मैं नहीं खा पा रही हूँ तबीयत खराब होने की वजह से। तो अभी मैंने शूट कर लिया है पर उतना अच्छा शूट नहीं हो पाया है जितना अच्छा होना था जैसा मैंने सोचा था, तो फिर भी बना है, फिर भी आप लोग जाइए देखिए, सपोर्ट कीजिए और कमेंट पे बताना कि वीडियो जो है वो कैसा बना है। इंस्टा पे मैंने डाला है, यूट्यूब पर भी मैंने डाल दिया है, और आप लोग बाकी बैकग्राउंड देख सकते हो कैसा बैकग्राउंड है, मतलब पूरा भींगा हुआ है। और अभी जब मैं शूट करने आई थी तो बारिश नहीं हो रहा था, अभी बारिश हो रहा है लगातार, तो मैं भीग भी रही हूँ। तो प्लीज़ कमेंट पे बताना कि आप लोग कैसे हो, और मैंने स्वागत भी नहीं किया तो स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल कात्यायनी गुण 14 में। तो फ्रेंड्स आप लोग प्लीज़ प्लीज़ सपोर्ट कीजिए, 6 लाख बहुत नज़दीक है तो उसको भी आप लोग मतलब पूरा कर दीजिए। और अभी मैं ठीक से शूट नहीं कर पा रही हूँ, पूरा कोशिश है कि बस जल्दी से ठीक हो जाऊँ, और मतलब मैं जैसा सोचती हूँ जैसा चाहती हूँ, बहुत सारे ऐसे सॉन्ग हैं जो कि मैंने सेलेक्ट किया है लेकिन मैं नहीं बना पा रही हूँ तबीयत खराब होने की वजह से। तो
जो भी सॉन्ग है, जो कि रिहर्सल है और जो मुझे अच्छा लगता है, जो मैं कर पा रही हूँ, अभी कर पा रही हूँ, उसको मैं बना पा रही हूँ। मतलब नहीं तो दूसरा सॉन्ग लूँगी तो वह ज़्यादा दिक्कत होगा, बन जाएगा पर वैसा नहीं कि जैसा मैं सोचती हूँ। तो अभी तो मैं मतलब थोड़ा भी कोई हार्ड स्टेप कर रही हूँ, जैसे पीठ वाला कोई स्टेप हो, कमर अगर मतलब कमर तोड़ना पड़े तो मतलब पेट दर्द करने लग रहा है, तो इसीलिए बहुत ज़्यादा रोना आ रहा है, बहुत ज़्यादा परेशान हो। तो प्लीज़ सपोर्ट कीजिए, अपना ढेर सारा प्यार दीजिए, कॉमेंट भी बताइए क्योंसा क्या रोने वाला ब्लॉग जो है आप लोग को कैसा लगा। और दिल से सॉरी, मैंने शुरुआत में कुछ नहीं बोला, मतलब मैं बहुत ज़्यादा अपसेट थी, मुझे पता है आप लोग समझोगे मुझे और गलत कमेंट नहीं करोगे, तो प्लीज़ अच्छा सा कमेंट करना जिसको मैं पढ़ के थोड़ी सी मोटिवेट हो सकूँ और आगे की तरफ मतलब बढ़ सकूँ। और मेरा सपना है कि मैं बहुत आगे जाऊँ, और बहुत मुश्किल से मैं यहाँ पे भी शूट कर पा रही हूँ, यहाँ से थोड़ी सी मतलब थोड़ी इधर उधर होती है तो मैं बाहर जाकर शूट करती हूँ, बहुत ज़्यादा मुश्किल है क्योंकि मेरा अपना डांसिंग ग्राउंड नहीं है बस इसीलिए। तो प्लीज़ आप लोग सपोर्ट कीजिए ताकि मैं भी आगे बढ़ सकूं और अच्छे अच्छे वीडियोस बना सकूं। पूरा मतलब कोशिश है दिल से कि जल्दी से ठीक हो जाऊं और जो जैसा जो मतलब और जैसा जैसा मैं चाह रही हूं वैसा ही वीडियो बने। तो प्लीज़ कमेंट में बताएं कि ब्लॉग कैसा लगा और मैं कैसी लग रही हूं। मेरा फेस मतलब रोने की वजह से फेस का जो मेकअप है वो पूरा ख़त्म हो गया है, लेकिन फ्रेंड्स बन गया है वीडियो, तो प्लीज़ आप लोग जाइए देखिए, सपोर्ट कीजिए, कमेंट में बताना, प्लीज़ कमेंट में बताना कि मैं कैसी लग रही हूँ और ये रोने वाला ब्लॉग वीडियो आप लोग को कैसा लगा, और प्लीज़ अच्छा सा कमेंट करना। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स, इतना सपोर्ट, इतना प्यार, इतना आशीर्वाद के लिए, मुझे यहाँ तक लाने के लिए। और प्लीज़ ऐसे ही साथ बनाए रखिएगा क्योंकि मुझे बहुत आगे तक जाना है, और आप ही लोग हो कि मुझे आगे तक लेके जा सकते हो क्योंकि मेरे आगे पीछे कोई भी नहीं है, मैं अकेले बस शूट करती हूँ और दीदी मेरा कैमरा करती है, बाकी तो कोई नहीं है बताने वाला या दिखाने वाला, खुद से जितना हो पाता है कोशिश रहता है, और आगे भी कोशिश है कि कुछ सीखने को मिले, कोई सिखाने वाला हो, कुछ अच्छा मतलब कुछ नया मिले सीखने को। तो प्लीज़ आप लोग सपोर्ट कीजिए ताकि मैं भी आगे तक जा सकूँ और 6 लाख जल्दी से कंप्लीट कर दीजिए। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स, इतना सपोर्ट, इतना प्यार के लिए, लव यू ऑल। दीदी।